नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी डॉट कॉम। पाकिस्तान गले तक कर्ज में डूबा हुआ है। पाकिस्तान को ना आईएमएफ से राहत मिल रही है, ना ही उसके देश की स्थिति में कोई सुधार हो रहा है। लेकिन इन सब के बाद भी पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने कैबिनेट के विस्तार के संकेत दिए हैं, जिसके बाद उनकी आलोचना हो रही है। वहीं पिछले साल अप्रैल में सत्ता में काबिज पीएम शहबाज शरीफ अपने विशेष सहायक को भर्ती करने और मंत्रिमंडल के लगातार विस्तार की वजह से विपक्ष को सवाल करने का मौका दे दिया है। बता दें कि पिछले साल अप्रैल में सत्ता में आने के बाद से शरीफ मितव्ययिता की मांग कर रहे, लेकिन स्पष्ट मानदंड और प्रक्रिया के अपनाए बिना प्रधानमंत्री के विशेष सहायकों के रूप में अधिक लोगों को शामिल करके मंत्रिमंडल के लगातार विस्तार के कारण कई लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। पूर्व सेनेटर और वकील मुस्तफ़ा नवाज खोखर और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ पाकिस्तान के अध्यक्ष फारूक शरीफ सहित अन्य लोग भी इस अवसर पर मौजूद थे। पीएमएलएन के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन पर जनता से अलग होने का आरोप लगाते हुए सबसे खराब वित्तीय संकट के बीच कैबिनेट के आकार को कम करने का आह्वान किया। पूर्व सेनेटर ने कहा कि सरकार ने ऐसे समय में कई और स्पैम की नियुक्ति करके वास्तविक संवेदनशीलता दिखाई है, तब देश अपने इतिहास में सबसे खराब वित्तीय संकट से गुजर रहा है। तो कैसी लगी तमाम जानकारी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।